वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैपकट में कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एंड इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, जैसे कि आप कैसे वेलोसिटी एडिटिंग कर सकते हो, अपनी वीडियो पे इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, साथ ही में वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड उम्मीद करता हूं ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आएगा। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा ना कि कैपकट को यूज़ करने के लिए हमें किसी वीपीएन से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्विक वीपीएन से कनेक्टेड हूँ, आप भी किसी वीपीएन से कनेक्ट हो जाना। देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड अपनी वीडियो को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी एडिट करना होगा एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्पीड कंट्रोल से, मीन्स स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन से, ठीक है। तो अपनी वीडियो को स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन करने के लिए वीडियो के ऊपर आपको टैप करना होगा, स्पीड के ऊपर क्लिक करना है एंड कर्व के ऊपर आके जस्ट कस्टम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जहाँ पर भी स्लो करना है, मान लो आपको स्टार्टिंग में स्लो करना है, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को नीचे कर देना, आपका स्टार्टिंग वाले वीडियो जो होगा वो स्लो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको चाह रहे हो कि थोड़ा एंडिंग में भी स्लो हो जाए, तो यहाँ पे भी आप इसे स्लो कर सकते हो, नीचे कर देना स्लो हो जाएगा। अब अगर आपको कहीं पे फास्ट करना है तो आप इसे ऊपर कर देना, फास्ट हो जाएगा। अब बोलोगे भाई मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना है, तो यहाँ तो बीट नहीं है, कैसे करें? तो ऐड बीट के ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद इसे आप जैसे एडिट करना चाहो कर सकते हो। देन उसके बाद डन करते हैं। डन करते तो आप देख सकते हो यार यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा स्लो हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसा आप मीन्स एडिट करोगे वैसा यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपने वीडियो के ऊपर हम इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते। सो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको इफेक्ट के ऊपर आ जाना होगा। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक वीडियो इफेक्ट एंड बॉडी इफेक्ट। तो दोनों के बारे में हम बात करते। वीडियो इफेक्ट में आप आओगे तो आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जो कुछ ट्रेंडिंग इफेक्ट है उनके बारे में मैं बताता हूँ, बाकी आप चेकआउट कर लेना, ओके। तो बेसिक के ऊपर पाओगे तो यहाँ पे आपको एक हेक्सागोनल स्पार्कल मिलेगा, इस टाइप का कुछ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, या फिर ये डायमंड इफेक्ट। तो दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट है, इन सभी को आप ट्राई कर लेना। बट जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और यही वाला लेंस पर इफेक्ट है, तो अप्लाई करते हैं एंड डन कर लेते। देन उसके बाद बैक करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉडी इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो बॉडी इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग में भी है, ठीक है। जैसे कि आप ये इलेक्ट्रिक वाला देख सकते हो, ये वाला भी काफ़ी ट्रेंडिंग इफेक्ट है। एंड उसी तरीके से आपके आई में जो फायर आता है वो वाला भी काफ़ी ट्रेंडिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे इफेक्ट अगर आपको अप्लाई करने हैं तो कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। इफेक्ट के ऊपर आपको सिंपली सा टैप कर देना एंड डन करना, तो ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब उसके बाद इसका ड्यूरेशन आप जितना रखना चाहते हो उतना आप यहाँ से कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा पीछे रखना है, आगे रखना है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना। ना उसके बाद अगर आपको मल्टीपल इफेक्ट अप्लाई करना है तो एक इफेक्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उसके आगे आना एंड बॉडी इफेक्ट के ऊपर टैप करना। देन उसके बाद अगर आपको दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इफेक्ट है। देन हेडवेयर पर आप आओगे तो अपने आँखों के ये सब के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला इफेक्ट, आई वाला, ये आई वाला इफेक्ट, ठीक है। अगर आपको आई वाला इफेक्ट लगाना है तो लगा सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको ये कोई इमोशन ये सब दिखाना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ना उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ ऐड करना है, जैसे कि इस टाइप का कुछ इफेक्ट, तो जस्ट क्लिक कर देना एंड लो भाई अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको पंख लगाना है तो वीडियो इफेक्ट में आना, और यहाँ पे आपको जस्ट डेकोरेशन में आ जाना होगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे करने के बाद आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि ये फ्लेम विंग्स वाला मिलता है जो कि थोड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे विंग्स ये वाला भी मिल जाता है जो कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा बेटर लगेगा, सो लड़कियों को यूज़ करने देते हैं फिलहाल, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का और भी इफेक्ट है, इन सभी को आप ट्राई कर लेना, उसके बाद डन करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे इफेक्ट मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा दिए। तो इस तरीके से आप इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, अपनी वीडियो के ऊपर सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एडिटिंग करने वाले, वेलोसिटी एडिटिंग। तो वेलोसिटी एडिटिंग करने के लिए मैं कुछ और वीडियो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा एडिटिंग हो गया, इसलिए मैंने इसे सेव भी कर लिया, ठीक है। तो डन करते, तो वेलोसिटी एडिट करने के लिए फिर से हम उसी तरीके से अपना कोई एक वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। वीडियो ऐड हो चुका। अब वेलोसिटी एडिटिंग करने के लिए आपको वीडियो के ऊपर टैप करना होता है, स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑटो वेलोसिटी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट करोगे तो ये जनरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपके वीडियो के ऊपर ऑटो वेलोसिटी अप्लाई कर दिया जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिकली वेलोसिटी एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से प्ले करके दिखा,
दिखा दो, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे वेलोसिटी एडिटिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो उसे करने के लिए मैं फिलहाल इसे ऑटो वेलोसिटी को हटा देता हूँ। अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना होगा, एंड यहाँ पे आपको एक कटआउट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना, देन रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक कर देना, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दोगे, धीरे धीरे करके यहाँ पे देख सकते हो ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा और आपके बैकग्राउंड जो होंगे वो रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। तो 100 होने देते हैं हम, देन उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। तो 100 हो चुका, देन उसके बाद बैक करते हैं, एंड उसके बाद मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो और हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। फिलहाल तो यार मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तो हम बैकग्राउंड को यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। मीन्स बैक करके रिमूव बैकग्राउंड को हटा दिया। देन उसके बाद अगर आपको कहीं पर शेक इफेक्ट या फिर एनिमेशन ऐड करना अपनी वीडियो में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कोई शेक इफेक्ट ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना, एंड जहाँ पर भी आपको शेक इफेक्ट अप्लाई करना है वहाँ पर स्प्लिट कर देना, ठीक है। फिर कोई सा भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना है तो स्प्लिट कर करके आप यहाँ पे इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कट लगा दिए। अब अपने वीडियो के ऊपर आपको टैप करो, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना, देन यहाँ पे आपको इन आउट कॉम्बो मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे इनमें आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये शेक वाला देख सकते हो, जैसा शेक इफेक्ट डाल सकते हो। अगर ड्यूरेशन बढ़ाना है तो यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बो में अगर आप आओगे तो कॉम्बो में भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अच्छे वाले इफेक्ट है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ठीक है। फिर इस टाइप का भी इफेक्ट है, तो इन सारे इफेक्ट को आप कट लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इफेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पेंडुलम को सेलेक्ट करते हैं, तो आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिलेंगे। इनमें से मैं जस्ट पेंडुलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पेंडुलम है, तो पेंडुलम को हम सेलेक्ट करेंगे और इनमें जस्ट कोई सा भी इफेक्ट अगर अप्लाई करने का मन करे तो कर सकते हो। फिलहाल मैं नन कर दे रहा हूँ, ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्लिप है हमारा, उसमें भी हम पेंडुलम 2 को यूज़ करते हैं। मीन्स जब आप पेंडुलम को यूज़ करते हो ना, नेक्स्ट वाले में पेंडुलम 2 को यूज़ करना, फिर से उसके नेक्स्ट वाले क्लिप में आप यहाँ पे पेंडुलम 3 तो नहीं है तो 1 को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बो बना के यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपकी वीडियो के ऊपर, ठीक है। ना इसे डन करते, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नॉर्मली चल रहा है वीडियो। देन उसके बाद ये पेंडुलम इफेक्ट अप्लाई करने के बाद, जो कि लेफ्ट राइट इस तरीके से हो रहा है, तो यार वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। जो नॉर्मली चल रही थी उससे तो ज़्यादा बेटर लग रही। और अगर आपको कहीं पे शेक इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसी एनिमेशन में आप इन में आ जाना और काफ़ी सारे शेक इफेक्ट मिल जाते हैं। आप इसे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि शेक थ्री भी काफ़ी अच्छा वाला है। तो कॉम्बो में जाते हैं एंड कॉम्बो को हटा देते हैं और जस्ट यहाँ पे इन एनिमेशन में शेक इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देन डन करते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा शेक इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से करके आप एनिमेशन का यूज़ करके अपनी वीडियो में इफेक्ट और अप्लाई कर सकते हो, ओके। तरीके से आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन का यूज़ करके शेक इफेक्ट, या फिर अपने अगर वीडियो में आपको कोई मोशन लाना है तो वो मोशन ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार कैपकट में, ठीक है। अब हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप अपने कैपकट को यूज़ करके देखो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं इनमें। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे कैपकट को आप उतना ज़्यादा सीखते जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ ट्रांजिशन में आओ तो काफ़ी सारे नए वाले ट्रांजिशन जो है ना वो कमाल के इन्होंने ऐड किया। एक मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, फ्यूचर वाला, ठीक है। फ्यूचर वाले को अप्लाई करो एंड इसका ड्यूरेशन जस्ट 3 सेकेंड रख दो एंड उसके बाद डन करो। नाउ वीडियो को आप यहाँ पे प्ले करके देखो तो देख सकते हो काफ़ी कमाल का इफेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के और नए नए चीज़ें कैपकट ऐड करते रहेगा और आप कैपकट को यूज़ कर करके सीखते जाओगे, ठीक है। तो मीन्स मेन बात क्या होती है कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, तो आप यूज़ करके देख लेना। सो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 4-5 एडिटिंग करके दिखा दिया है। आई होप आपको हर एक एडिटिंग पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब एडिट हो गया तो यार एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, ओके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।